हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आज सैटरडे है और आप सभी को पता है कि सैटरडे को हम लोग लेट नाइट डीप थॉट्स रीडिंग करते हैं, क्योंकि कल संडे है तो चांसेस है कि आपके पार्टनर ज़्यादा देर तक आज जागेंगे। और जितना ज़्यादा वो जागेंगे, चांसेस है कि जब इंसान रात को जागते हैं तो प्यार के बारे में डेफिनेटली वो सोचते हैं, तो काफ़ी फ्रेश एनर्जीज हमको देखने को मिलेगा और हम समझ पाएंगे कि अल्टीमेटली रात को उनका एनर्जी किस तरह का रहता है। अल्टीमेटली वो आपको याद करते हैं या नहीं, रिश्ते के बारे में वो रात को क्या सोचते हैं, किस तरह का उनका ख्याल आता है, मन होता है, क्या करने का मन होता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। सो ये रीडिंग हम शुरू करेंगे। इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लेट नाइट डीप थॉट्स रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, और अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट जो हम लेट नाइट डीप थॉट्स रीडिंग करेंगे उसके लिए। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, बट ये जो एनर्जी है आज का, यहाँ पे सिर्फ हम आपके पार्टनर का एनर्जी चेक करेंगे। मैंने शायद रोल्स रिवर्सल का बोल दिया है फ्लो में, बट ये सिर्फ आपके पार्टनर का ही हम एनर्जी चेक करेंगे, आपका एनर्जी यहाँ पे चेक नहीं होगा। ओके, तो स्पेसिफिकली उनका एनर्जी हम देखेंगे। तो हम तो इतने दिनों से इंट्यूशन टेस्ट ले रहे हैं, कल भी मैंने आप सभी का इंट्यूशन टेस्ट लिया है। मैंने दो कार्ड्स निकाला था और दोनों कार्ड्स में से आपसे मैंने पूछा था कि डेथ कार्ड कौन सा है, राइट? तो आप सभी ने आंसर दिया है और जो सही आंसर है वो है कार्ड नंबर दो, कार्ड नंबर बी। जिन्होंने सही आंसर दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन्होंने इतने दिनों से सही आंसर हर इंट्यूशन टेस्ट पास किया है उनको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। जिनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, प्लीज ट्राई करते रहिए और हम फिर से अगले महीना इस तरह से इंट्यूशन टेस्ट लेंगे। सो टेंशन लेने का कोई दरकार नहीं है, तो कोशिश करते रहिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। और अभी हम रीडिंग शुरू करेंगे। आज का सवाल, हमेशा की तरह तो मैं कोई ना कोई सवाल आपसे पूछता ही रहता हूं, तो आज का ये सवाल है, आपको बताना पड़ेगा मैं अभी कौन से शहर में हूं, मैं अभी कौन से शहर में हूं, वो आपको गेस करके बताना पड़ेगा। इसको भी एक तरह से आप इंट्यूशन टेस्ट की तरह ले सकते हैं। सोचिए आप कि मैं कौन से शहर में अभी हूं, कल चला जाऊंगा, तो आप प्लीज बताइए। ओके, तो अभी मैं रीडिंग शुरू करता हूं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का जो है लेट नाइट का एनर्जी क्या रहता है। मेरा चेहरा अगर कट भी जाए तो इट्स ओके, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि टेबल है सामने, तो मुझे टेबल पे रख के करना पड़ रहा है, तो उस वजह से मेरा चेहरा थोड़ा सा कट सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा चेहरा आपको दिखा सकूँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर करेंट जनरल एनर्जी। Let's see. Okay. Now we have. Wow. Ace of Cups and bottom of the deck is Five of Wands. Okay. So I can see कि ये जो इंसान है इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इनका दिमाग छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये इंसान डील करते हैं, आपके अलावा भी, इट कुड बी देयर फैमिली पीपल ऑल्सो, और
बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में ये इंसान रहते हैं, बट करेंटली आई कैन सी कि उनका जो एनर्जी है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन एक फेज में है जहां पे ओवरफ्लो हो रहा है उनका इमोशंस। आई कैन सी कि रात को खास करके लेट नाइट को दे आर फीलिंग कि पूरा दिन झमेला चलता है, झगड़ा चलता है, आर्ग्यूमेंट चलता है, किच किच पिच पिच चलता रहता है अपने फैमिली के साथ या फिर अपने ऑफिस में या फिर अपने जो भी बाकी लोगों के साथ या फिर हो सकता है आपके साथ भी, बट रात को जो है उनका एक्चुअल फीलिंग जागता है। इन सम सिचुएशंस हो सकता है ये इंसान जो है इनको ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, रात को ये ड्रंक होते हैं और ड्रंक होने के बाद इनका जो इमोशन है वो एक्चुअल इमोशन जागता है। शायद ये आपको अगले दिन देखने को मिले ना मिले, बट रात को ये चीज़ होता है। बहुत ही ज़्यादा वो इमो दिल खोल के बात करना चाहते हैं, अगर आप लोग बात करते हो तो वो उस तरह से बात करते भी हैं, और अगर आप बात नहीं करते तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपसे बात करना, आपसे दिल खोल के बहुत सारी चीज़ें बोलना। हो सकता है कि थोड़ा सा इमोशनल वो हो जाए, हो सकता है रो पड़े, बहुत कुछ हो सकता है, बट आई फील दैट दिस पर्सन गेट्स, वो ड्रिंक करते हैं काफ़ी रात को खास करके। ओके, नाउ हम देखेंगे उनका करंट फीलिंग्स क्या रहता है लेट नाइट का। ओके, वी गॉट द कार्ड, आई नीड टू मोर कार्ड्स, लेट्स सी उनका करंट फीलिंग्स क्या रहता है लेट नाइट का, व्हाट इज देयर। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमको मिल चुका है। ओके, वो हो सो किंग ऑफ वंस, टेन ऑफ वंस, डेथ कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ कप्स। मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता है। मैंने क्या बोला आपको कि ये इंसान, इनका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म होता है, दिमाग के अंदर बहुत सारा चीज चलता रहता है। This person is currently feeling like के लोग उनको थोड़ा ज्यादा ही तेवर दिखाते हैं आजकल। ओके, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का रवैया इनकी तरफ थोड़ा सा तेवर भरा है, लोग इनको एटीट्यूड मारते हैं, लोग इनको एक तरह से कठपुतली की तरह यूज करते हैं, और इतने सारे लोगों को झेल झेल के ये इंसान परेशान हो गए हैं। There is a chance that this person is dealing with many people. It could be their family, it could be their business people, office के लोग, friend circle, और भी जो जो connection है उनका, ये सब मिला जुला के हो सकता है ये इंसान परेशान हो गए हैं एक तरह से। ओके, रात को इनका वो परेशानी, वो भरास निकलता है, एंड आई कैन सी दैट दिस पर्सन वांट्स टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। वो चाहते हैं कि इस परेशानी से, इस जो बर्डनसम सिचुएशन है, इस चीज से उनको राहत मिले और उनको शांति मिले। ओके, ये जो परेशानी वाला जो माहौल है, ये जो परेशानी वाला जो उनका मेंटल स्टेट है, या फिर जो डिप्रेसिव काइंड ऑफ एक जो होता है ना, दिमाग जल जाता है, दिमाग भारी रहता है, ये सब चीजें वो चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए और थोड़ा सा शांति मिले इसको। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ कप्स, दे डू मिस यू अ लॉट। सो लेट नाइट को वो आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि किसी कारणवश शायद आप उनसे अलग हो गए हैं, एंड या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, स्पेस आ गया है, एंड दे आर एक्चुअली मिसिंग यू। दे हैव अदर इमोशंस, जो कि मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं, बट किसी से भी आप जैसा प्यार उनको नहीं मिल रहा है, किसी से भी आप जितना इमोशन इस इंसान को देते हैं, जितना प्यार देते हैं, वैसा नहीं मिल रहा है। दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर पीस, दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर लव, दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इमोशन, जो कि उनको नहीं मिल रहा है। देर एक बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में है ये इंसान। हर कोई इस पे तेवर दिखाता है, हर कोई इस पे एटीट्यूड दिखाता है, ऐसा उनको लग रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज। ओके, सो लेट सी लेट नाइट का इनका जो है, व्हाट इज देयर लेट नाइट थॉट्स, क्या सोचते हैं वो, देयर लेट नाइट थॉट्स, लेट सी डीप थॉट्स। ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके,
ओके, ये बंच आया है, इसको मैं नहीं ले सकता. एक कार्ड हमको मिल चुका है ऑलरेडी. लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप थॉट्स. लेट्स सी. वाह, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता है. अब बोलिए डबल कंफर्मेशन. मैंने क्या बोला था आपको? एस ऑफ कप्स. जो कार्ड जम करके आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स, जो कि मैंने उनका एनर्जी, उनका जनरल एनर्जी में भी बोला था. ये जो इंसान है ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ अभी फ्रेंडशिप वाला चीज चले, या आपके साथ किसी तरह से एक स्क्रैच लेवल से चीजों का शुरुआत हो. दिस पर्सन डजंट वांट दैट. ये इंसान चाहते हैं कि आपको जकड़ के रखे, आपको हक करे, आपको होल्ड करके रखे, आपको कभी भी अपने आप से अलग ना हो वो करने दे. दे विल बी टेकिंग अ वेरी बिग डिसीजन इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ चूजिंग यू. आई कैन सी दिस पर्सन गेट्स वेरी अट्रैक्टेड. इनका अट्रैक्शन रात को खास करके आपके लिए बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, टेम्पटेशन बढ़ता है. वो काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं आपके बारे में सोच के रात को. शायद वो आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, विच आई फील. और फैंटेसाइज करके वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, एंड दे फील लाइक होल्डिंग यू टाइटली. दे फील लाइक दे डोंट वॉन्ट टू रिलीज यू एनी मोर. और वो ऐसा फील करते हैं कि अभी फ्रेंड्स नहीं, अभी मुझे प्यार चाहिए. ओके, शायद पहले उन्होंने आपको इस तरह से कुछ बोला था शायद कि अभी प्यार नहीं चाहिए, अभी हम दोस्त ही ठीक हैं, या ऐसा कुछ. बट करेंटली दिस पर्सन इज लाइक नो, आई वांट लव. शायद इस वजह से आप दोनों का जो है डिस्टेंस क्रिएट हुआ है. ओके, सो आई कैन सी लव. एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स, आई कैन सी लव. प्यार तो है सिचुएशन के अंदर, प्यार है. सी इसके नीचे द मैजिशियन. दे आर मैनिफेस्टिंग लव बैक इन देयर लाइफ. दे आर मैनिफेस्टिंग इमोशंस बैक इन देयर लाइफ. दे आर मैनिफेस्टिंग अ ब्यूटिफुल पार्टनर इन देयर लाइफ. सो और यूनिवर्स इधर है. सो दे आर मैनिफेस्टिंग, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन. दे आर मैनिफेस्टिंग यूनिवर्स के सामने कि प्लीज मुझे एक ऐसा पार्टनर दो जो मेरा सोलमेट होंगे और जिनको अब मैं कभी भी किसी भी हालत में अपने आप से दूर नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स जेंडर वाइज. सो लव इज इन द एयर, लव इज इन देयर हार्ट. क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट लेट नाइट को इस तरह का थॉट्स उनके दिमाग में आता है जो कि हमको देखने को मिला. अब आप बोलेंगे कि मुझे तो कुछ देखने को नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल वे में तो कुछ नहीं करते हैं. नहीं करेंगे. इट्स अ थॉट, इट्स अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन जो कि वो अपने अंदर ही रखते हैं. हर चीज़ वो आपको बोलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना. आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो वो आपको समझाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सब दबा दबा के रखते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते. बट जिस दिन करेंगे उस दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, अगर वो करेंगे तो. ओके, या कुछ एक्शन लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा. ओके, अब हम देखेंगे कि उनका इंटेंशन, व्हाट इज देयर करेंट इंटेंशन. लेट्स सी लेट नाइट का इंटेंशन क्या रहता है इस इंसान का, इरादा. उनका लेट नाइट का इरादा क्या रहता है, लेट्स सी. वाओ, टेन ऑफ कप्स. मेरा रीडिंग अगेन इतना गलत नहीं होता है. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वंड्स. आप बताइए अब. ओके, दिस पर्सन इज डे ड्रीमिंग अबाउट यू. This person is daydreaming about a beautiful partnership. ये चाहते हैं happy go lucky वाला एक situation. ये चाहते हैं family, ये चाहते हैं बच्चे, ये चाहते हैं आपको अपने साथ ताकि वो आपको कहीं पर ले जा सके. They are fantasizing a beautiful life with you. Also very passionate तरीके से वो चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से प्यार आए, फिर से उनका जो romance है आपके साथ वो बहुत passionately जागे. और आई कैन सी फैंटेसी, आई कैन सी. मैंने थोड़ी देर पहले ये फैंटेसी वाला वर्ड मैंने यूज़ किया था कि वो आपको लेके फैंटेसाइज करते हैं. एंड दिस इज द कन्फर्मेशन. दे डे ड्रीम अबाउट यू, दे फैंटेसाइज यू. और उनके मन के अंदर बहुत तरह का फीलिंग्स आता है, इंटीमेट फीलिंग्स भी, पैशनेट फीलिंग्स भी आपको लेके. दैट इज कन्फर्म्ड रात को.
ओके, बट इन अ वेरी लाइफ पार्टनर वाला वे में, ओके, स्टेबल वे में आता है. अब वो क्या एक्शन लेंगे वो मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग कभी भी लेट नाइट के रीडिंग में एक्शंस चेक नहीं करते, वो हम लव रीडिंग में चेक करते हैं. बट यहाँ पे सिर्फ उनका एनर्जी हमको देखने को मिलता है कि एग्जैक्टली वो सोचते क्या है रात को. ओके, अब हम देखेंगे कि क्या प्यार है सिचुएशन के अंदर या नहीं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, लेट्स सी. और इसके साथ साथ हम तीन मैसेजेस आपको देंगे उनकी तरफ से, जो वो आपको बोलना चाहते हैं. तो वो मैसेजेस मैं जरूर इस वीडियो के एंडिंग में दूंगा, ये मैंने बोलना भूल गया बट मैं दूंगा. वेट, लेट्स सी कि कितना प्यार करते हैं वो आपको. ओके ओके ओके, द एम्प्रेस कार्ड प्यार का कार्ड है, प्यार सिचुएशन में है, सिचुएशन बदलने का चांसेस है, कम्युनिकेशन होने का चांसेस है. द डेथ कार्ड, एट ऑफ वॉन्स एंड द एम्प्रेस कार्ड, आई थिंक दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स. उनको पीस चाहिए, उनको खुशी चाहिए, उनको शांति चाहिए, और आपके अलावा ये लेवल पे उनको इस तरह का चीजें कोई नहीं दे सकता. आई थिंक दे आर सीइंग यू एज अ As someone who can give them the ultimate love, ultimate प्यार, ultimate everything, जो कि किसी और से उनको नहीं मिलेगा. Empress, Empress है, उनका level, उनका ओहदा अलग level पे होता है. उस level तक जाना इस इंसान के लिए भी मुश्किल है. अभी वो transform अपने आप को करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है. अगर वो कोशिश भी कर रहे हैं तो आई कैन सी प्यार के लिए वो डेफिनेटली बातचीत करना चाहेंगे आपसे. ओके, सिचुएशन में प्यार है, सो इट्स अ यस, वो प्यार करते हैं आपसे. ओके ओके, नाउ अब हम देखेंगे थ्री मैसेजेस जो कि आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं. लेट्स सी क्या तीन मैसेजेस है जो कि आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं. लेट्स सी, ओके, वाओ, ओके. सो पहला जो मैसेज है जो कि आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं वो है कि मैं सब जानता हूं, मैं सब देख रहा हूं या देख रही हूं. अगर फीमेल है तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, आई कैन सी एवरीथिंग. ओके, भले ही मैं कुछ बोलू ना बोलू, आई कैन सी एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग. दिस इज द फर्स्ट मैसेज जो कि वो आपको देना चाहते हैं. सेकेंड मैसेज भी इंटरकनेक्टेड है. सेकेंड मैसेज है जो कि वो आपको देना चाहते हैं वो है कि मैं सब देख रहा हूँ, नजर रख रहा. आई थिंक वो आप पे नजर रखते हैं. सो दे आर लाइक, मेरा नजर तुम पे है, मैं देख रहा हूँ, मुझे खबर है, खबर है, इस तरह से लीजिए इसको, कि आई कैन सी एंड आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट. I can see you and I want to communicate. शायद वो ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे. ओके, एंड द थर्ड एंड फाइनल मैसेज इज कि मैं आ रहा हूँ डोली लेके, मैं आ रहा हूँ मैरिज प्रपोजल लेके, मैं बात करूंगा मैरिज प्रपोजल के बारे में. सो आई एम कमिंग. ओके, सो यू आर, यू जस्ट बी प्रिपेयर फॉर मैरिज. सो ये है थर्ड मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से. ओके, अब हम देखेंगे द साइंस. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो अभी का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. लेट्स सी, लेट्स सी द साइंस. ओके, सो वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. यानी कि अर्थ साइन है यहाँ पे, एयर साइन है, फायर साइन है. ओके, वाटर साइन नहीं है, यहाँ नहीं आया है, बट अगर आपके साथ रेजोनेट करता है पूरा रीडिंग तो वो आपका रीडिंग हो सकता है, वाटर साइंस. ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन.
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन, लेट्स सी। ओके, ये एक ही बात है, प्यार आ रहा है आपकी तरफ विद अ मैरिज प्रपोजल, डबल कंफर्मेशन। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, हो सकता है आपको ऑनलाइन आपसे वो बात करने की कोशिश करें या ऑनलाइन आप दोनों का कम्युनिकेशन हो। ओके, सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे अल्टीमेटली बात शादी तक जाएगा, वो शायद आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं या देने के बारे में सोच सकते हैं थोड़े टाइम के बाद, नॉट इमीडिएटली, कुछ दिनों के बाद इस तरह का चीजें हो सकता है। ओके ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी इस तरह से रीडिंग्स लेके आएंगे। एंड जो सवाल मैंने किया है उसका आंसर जरूर कमेंट्स में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।